a sequence of real numbers, if this is equal to n squared plus 2n for all natural numbers, then the sum of x49 and x50 is equal to, we can again say it's a medium level question from algebra. Algebra ki kai questions aa rahe hain. इसमें हालांकि इतने डिफिकल्ट नहीं होते, सिंपल हमें करना क्या होता है, एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है. एन की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाइए एंड पैटर्न देखते जाएंगे. लेट्स ट्राई. मान लीजिए एन की वैल्यू 1 डालू तो इट विल बी एक्स वन विच इज इक्वल टू, मैं देखूंगा एक्स वन क्या आ रहा है, एक्स टू क्या आ रहा है, एक्स थ्री क्या आ रहा है, एक्स फोर क्या आ रहा है, एक्स फाइव क्या आ रहा है, उसके बेस पे मुझे बाकी की चीजें भी जज हो जाएंगे. अगर एक्स वन डालूंगा तो ये सिर्फ फर्स्ट टर्म ली जाएगी एंड राइट हैंड साइड बनेगा 1 square plus 2 into 1, 1 square plus 2 into 1, which is equal to 3. अब अगर n की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन लेंगे हम, वो बनेगा x माइनस 1 माइनस x 2 इज इक्वल टू, 2 की वैल्यू डाल रहे हैं तो इट विल बी 2 square plus 2 into 2, तो इट विल बी x 1 मुझे पता है 3 माइनस x 3 इज इक्वल टू, ये कितना है 4 and 4 8, इसको सॉल्व करूंगा तो x 3 विल बी माइनस 5 कि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इट विल बी माइनस 5. सो आई विल राइट x2 इज इक्वल टू माइनस 5. अब x3 निकालना है तो n की वैल्यू 3 डालिए तो हम तीन टर्म्स लेंगे. इट विल बी x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, 3 डालेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 2 इनटू 3. x1 की वैल्यू हमको पता है 3 होती है, माइनस x2 इसकी वैल्यू हमको पता है माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 हो जाएगी, प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 6 कितना होता है 15. So x3 will be 8 minus होगा 15 से, x3 will be 7. So you can write this will be 7. Let's try up n की value 4 डालेंगे तो 4 तक जाएगा, which will be x1 minus x2 plus x3 minus x4, which is equal to 4 डाल के देखते हैं, it will be 4 square plus 2 into 4. अब इनकी value डाल लीजिए x1 minus x2 x3 की, so it will be 3 plus 5 plus 7 minus x4, which is equal to 16 plus 8, which is equal to 24. इससे सॉल्व करेंगे तो x4 will come, because x4 इधर ले जाएंगे इधर आएगा, ठीक है, 8 7 15 it will be minus 9 x4, so it will be minus 9. So I can now see the pattern. जो पहली टर्म है वो 3 है तो अगली टर्म 5 है, लेकिन साइन बदल रहा है. देखिए अगर साइन छोड़ दें पहले तो दो दो का डिफरेंस आ रहा है, अगली जो टर्म है वो फिर साइन बदल रहा है और दो का डिफरेंस है, अगली टर्म में फिर साइन बदल रहा है और दो का डिफरेंस है, ठीक है. जो ऑड वाली टर्म्स है वो पॉजिटिव है, जो इवन वाली है वो नेगेटिव है. ध्यान से देखिए, ऑड वाली पॉजिटिव, इवन वाली नेगेटिव. तो सेम वे में अगर x49 देखेंगे प्लस x50 देखेंगे तो इन दोनों में भी एक पॉजिटिव होगी. कौन सी पॉजिटिव होगी? ये वाली. और ये वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव. और ये वाली वैल्यू दूसरी से दो बड़ी होगी, दो दो का गैप आ रहा है ना. अगर ये एक्स होगी तो ये एक्स प्लस टू होगी. इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो फॉर श्योर माइनस टू ही आएगा. दैट विल बी आवर आंसर, व्हिच इज ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में दो का गैप आ रहा है, एंड ऑड एंड इवन अगर आप लोगे तो उनके बीच में माइनस टू का गैप आ रहा है. सो दैट इज हाउ वी कैन जनरलाइज एंड सी द पैटर्न एंड विल गेट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज माइनस टू. इसमें सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, दैट्स व्हाई दीज आर इजी क्वेश्चंस. आप बस n की वैल्यू 1 2 3 4 डालिए, पैटर्न देखिए, रिकॉग्नाइज करिए एंड मार्क द आंसर एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल इज दैट. फ्रॉम अ कंटेनर फिल्ड विद मिल्क, 9 लीटर ऑफ मिल्क आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर. नेक्स्ट फ्रॉम द सेम कंटेनर 9 लीटर्स आर ड्रॉन एंड अगेन रिप्लेस्ड विद वाटर. ओके, इफ द वॉल्यूम्स ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर नाउ इज दिस इज मिल्क एंड दिस इज वाटर, देन द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर. अगेन अ इजी क्वेश्चन फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन. जिन भी बच्चों ने, जिन भी लोगों ने मिक्सचर एलिगेशन किया, दे नो दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, जब भी ऐसा होता है तो अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट इनटू 1 माइनस y बाय x रेज टू द पावर n. ऐसे होता है, y होता है जो आपने अमाउंट विदड्रॉ किया, x आपका इनिशियल क्वांटिटी होती है, टोटल n होता है जितनी बार आपने ये प्रोसेस किया है. तो सेम वे में देखिए, हमारा जो कंटेनर था वो पहले मिल्क से भरा हुआ था, तो अमाउंट लेफ्ट जो आएगा वो हमारा मिल्क लेफ्ट आएगा, दैट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट जो भी था. अब मिल्क लेफ्ट क्या है, हम यहाँ देख रहे हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो है 16:9, यानी जो मिल्क और वाटर है, यानी मिल्क पहले अब 16x है और वाटर 9x है. लेकिन पहले इनिशियली तो सारा का सारा ये मिल्क ही रहा होगा ना, क्योंकि पहले तो मिल्क से भरा हुआ कंटेनर था, फिर कुछ निकाल के पानी डाल दिया
फिर कुछ निकाल के फिर पानी डाल दिया। सो इनिशियल क्वांटिटी जो रहेगी होगी वो 16x प्लस 9x यानी 25x रही होगी इनिशियल क्वांटिटी, और ये हमारा अमाउंट लेफ्ट है, मिल्क लेफ्ट तो 16x है। सो यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड विल गेट अमाउंट लेफ्ट और मिल्क लेफ्ट इज 16x, विच इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट था 25x इंटू 1 माइनस वाई जो है वो निकाला गया अमाउंट है, कितना निकाला 9 लीटर, तो 9 अपॉन x, ये x होता है टोटल क्वांटिटी, ये टोटल हम 25x भी रख सकते हैं और इसे मैं q भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 25x रखूंगा तो भी मैं x की वैल्यू निकाल के 25 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे q रखने से क्या है कि ये डायरेक्ट q आ जाएगा, बिकॉज ये x से ये x तो कट ही जाएगा मुझे पता है, एंड पावर n की पावर 2 है क्योंकि इसने ऑपरेशन 2 बार कराया है, पहले 1 बार रिप्लेस किया फिर 2 बार किया। नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, ये हम देखेंगे कि 16/25 इज इक्वल टू 1 - 9/q का होल स्क्वायर बैटर है, स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्यूब रूट बने स्क्वायर रूट बनेगा सॉरी, तो ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड विल बी 4/5 क्योंकि 4 हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट एंड 25 का 5 व्हिच इज 1 - 9/q। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, इसे इधर ले जाइए इसे इधर ले जाइए, इट विल बी 9/q इज इक्वल टू 1 - 4/5, 1 - 4/5 क्या होता है 1/5, so we can say 9/q is equal to 1/5 और ये cross multiply करेंगे we'll get q is equal to 45 liters, that is the answer in numeric value। हमारा जो initial amount capacity of container था या जो milk था वो 45 liters था बस। It's a very simple standard question from mixture and allegation जो काफी स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, चेक द वैल्यूज, बिल्कुल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज एंड वी शुड बी एबल टू गेट दिस आंसर वेरी फास्ट।